हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सभी दोस्तों को दिल से नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरकारी ड्राइवर की भर्ती के बारे में, जो हाल ही में अपडेट की है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कैटेगरी रखी, सारी डिटेल में एक एक चीज़ समझाएंगे। योग्यता की बात करते हैं तो 8वीं पास होना चाहिए, और सैलरी की बात करते हैं तो इसमें लगभग 30,000 से ऊपर ही मिलने वाली है। उम्र की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी रखी गई, इसमें 18 से 47 साल के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अब चलते हैं नोटिस के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे पहली बार हो तो कर दो ना सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। दोस्तों हम आ चुके हैं नोटिस के ऊपर। ये वैकेंसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, एजुकेशन पोस्ट ड्राइवर की रखी है, क्वालिफिकेशन 8वीं पास होना चाहिए, और लोकेशन रहेगी चंडीगढ़। ये फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, 24 सितंबर 2019। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.fresherlib.com पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी नेम ड्राइवर है, क्वालिफिकेशन 8वीं पास है, और वैकेंसी इसमें टोटल रखी हैं 200। एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में होना चाहिए, और जॉब लोकेशन रहेगा आपका चंडीगढ़। इसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2019। अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो इसमें 18 से 47 साल के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल के लिए मेल के लिए 750 है, फीमेल की 375, SC ST के लिए बिल्कुल फ्री है।